राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया कौरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबके संग आलू कौरमा की रेसिपी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। यकीन करिए दोस्तों, आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पे इस कौरमा आलू में थोड़ा सा घी ज्यादा लिया जाता है, तो मैंने पहले से कर रखा है। मैं आपको तरीका बता दे रही हूँ कैसे करना है। तो चलिए, तो यहाँ हमने घी ले रखा है। यहाँ कच्चे आलू लिए थे, छोटे बड़े जैसे मिल जाएं उस साइज के ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने आलू को ले लिया है और इन्हें हमें फ्राई करना है। आलू को फ्राई करना है, साथ में हम इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, काली मिर्च, दो तेज पत्ता और दो छोटी इलायची डाल देंगे और इनको हम आलू को डाल के फ्राई करेंगे। तो यहाँ आलू फ्राई होने में कम से कम आपके 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। तो आप इसे मीडियम से लो पे ही करिएगा। बहुत ही बढ़िया आलू इस तरह से तैयार होता है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ आलू इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आलू मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। और इनको हमें बीच बीच में चलाते रहना है, जिससे कि अच्छे से अलग पलट के सिक जाए। तो यहाँ मैं इनको चलाते हुए इन्हें हमें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। आलू को मैंने छिल लिया था, छिलने के बाद धोकर अच्छे से मैंने काले इन्हें मेरे को हल्का सा हमें अलग से पलटते से लाइट थोड़ा सा ब्राउन करना है। जब कलर चेंज हो जाएगा तो हमें 80% इनको कुक करना है। तो आप 80% कुक कर लीजिएगा। जब तक आलू हमारे कुक हो रहे हैं, मैं आगे की तैयारी आपको दिखा देती हूँ हमने और क्या क्या तैयारी करनी है। तो फटाफट से तो यहाँ पे अभी हमारे संग रेखा गुप्ता जी जुड़ी हैं। तो आज आपने आलू तो कई तरह से खाए होंगे, आलू कौरमा आज तक नहीं खाया होगा। आकाश गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, शुरू में आपने देखा होगा जैसा हमने तैयारी करी है, तो मैं उसका बता देती हूँ कैसे कैसे करना है। राधे राधे। तो आलू इधर हमें फ्राई करने के लिए मैं दूसरी गैस पे रख देती हूँ और हम आगे की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो मैं जब तक आलू हमारे साइड में फ्राई होते रहेंगे तो हम बता देते हैं, हमने इधर आलू फ्राई पहले से कर रखे थे और उसमें मैंने टमाटो प्यूरी डाली है। तो बता देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या मिक्स करा था। और इधर हमारे जो ये आलू है तो इसको मैं बता दूंगी आपको कितना फ्राई करना है। तो आलू में और ऐसे करना है कि जब हमें आलू फ्राई करना है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ इधर, तो इसमें थोड़ी सी हल्दी नमक डाल दीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ इधर, तो यहाँ थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और इस तरह से आलू का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और इस तरह से हमें फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने गैस को चेंज कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे 10 से 12 मिनट में आलू फ्राई होते रहेंगे। तो छोटे लेंगे तो जल्दी होंगे, अंदर तक पक जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो टाइम लेते हैं। तो चलिए अब मैं इधर आ गई हूँ। तो यहाँ हमने क्या क्या तैयारी कर रखी है। यहाँ पे हमने टमाटर प्यूरी जो डाली है दोस्तों, उसमें मैंने क्या करा था, 5-6 टमाटर लिए थे, 2 प्याज ली थी और 3-4 लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, अदरक, सब चीजों को पीस लिया था। जो शुरू में आपने देखा था आलू हमारे फ्राई हो चुके थे और इसमें मैंने सब साबुत खड़े मसाले भी डाल दिए थे और ये पेस्ट डाल दिया था। और इनको हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इन्हें भून लेना है। तो यहाँ 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही आपको दिखाया हुआ भूनते हुए डालते हुए। तो इन्हें भूनना है और साथ में हम और मसालों की भी तैयारी कर लेते हैं जो हमें और आगे चाहिए।
जब तक ये हमारा प्याज टमाटर पक रहा है। तो यहाँ पे आप सबको मैं बता देती हूँ कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, पेज बनाए हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। तनुजा शर्मा जी जुड़ी हैं, रिया तो यहाँ हमारे जब तक पक रहे हैं तो अब हमें एक दही का मसाला भी तैयार करना है, तो उसमें मसाले क्या क्या डालने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इधर मैं इधर ले आई हूँ आपको, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 100 ग्राम दही लिया है। तो दही में हमें क्या क्या मसाला डालना है वो बता देती हूँ। और यहाँ पे हमने एक चीज और ली है, यहाँ हमने काजू का पेस्ट लिया था। मैं क्या करती हूँ, काजू का एक्स्ट्रा पेस्ट पीस के तैयार हो जाता है तो इस तरह से फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये भी मैं उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ अभी मेरे को पहले ही डालना था तो यहाँ मैं इस तरह से डाल रही हूँ, इससे ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा कोरमा में। तो यहाँ पे आप टमाटर के साथ ही पीस रख सकते हैं। तो यहाँ मैं हमेशा इस तरह से बना के रखती हूँ तो ये धीरे धीरे से इस तरह से भी घुल जाएगा। और अब मैं दही के सामान बता रही हूँ आपको क्या क्या डालना है। तो यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है, बस ज्यादा मत डालिएगा, आधा छोटा चम्मच डालिएगा। आलू के हिसाब से जितनी आप सब्जी बना रहे हैं मसाले उसी हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमने मिर्च पाउडर लिया है 1 बड़ा चम्मच, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है और नमक डालना है, पहले भी थोड़ा डाला था, ध्यान से नमक डालिएगा। और यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। तो यहाँ सभी चीजों को मैं एक साथ डाल दे रही हूँ, और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। और एक मैंने यहाँ पे सब्जी मसाला लिया है, सब्जी मसाले की वीडियो आप देख सकते हैं हमने पहले डाली हुई है, पिछले महीने डाली थी, घर में बनाया था सब्जी मसाला, तो वो ही मैं डालती हूँ, तो वो मैं ही आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से आप बना सकते हैं वीडियो को देखकर, वो हमने बनाई थी। और इधर से मैं आलू को भी चलाती जा रही हूँ फटाफट से, जब तक प्याज हमारा अच्छे से भून जाएगा, और इसको सब मसालों को डाल के अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि इस तरह से हम मिलाते हैं तो मसाले अच्छे से दही में मिल जाते हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। और एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने प्याज लहसुन सब चीजें डाली हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ऊपर से हमने काजू का पेस्ट भी डाला है, और काजू का पेस्ट ना हो तो आप तरबूज के बीज भी पीस कर डाल सकते हैं, त्योहारों में कुछ अलग सब्जी बनाने का मन करता है। तो यहाँ हमने इस तरह से ले लिया है। अब मैं इधर हमारा आलू प्याज मैं दिखा देती हूँ किस तरह से भून चुका है। तो यहाँ अब मैं गैस की तरफ आ चुकी हूँ, तो यहाँ हमारा प्याज भून चुका है, देखिए तो यहाँ अच्छे से भून गया है। तो हमारे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से भून गया है। अब यहाँ पे हम दही जो ये है हमारा धीरे धीरे पिघल जाएगा, अच्छे से भून जाएगा ये भी बात तक। और अब यहाँ पे हम दही का पेस्ट डाल देंगे, इसमें सारे मसाले हैं, थोड़ा सा पानी धो के डालेंगे। तो यहाँ मैं गर्म पानी का हमेशा यूज करती हूँ तो वो डालूंगी, तो पानी इसमें ज्यादा नहीं डलता है, पर अभी हम थोड़ा डाल रहे हैं, थोड़ा सा हम बाद में भी डालेंगे। तो यहाँ मैं इसको धो के डाल देती हूँ, मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ है पानी। कभी भी आप दोस्तों कभी भी यूज करें तो गर्म पानी जरूर डाला करिए, ठंडा पानी नहीं डालिया करिए। और इन्हें डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मैं इसे डाल देती हूँ। तो यहाँ पे आपको मेरी रेसिपी सारी पसंद आ रही होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे और कोई मेंबर, नया मेंबर कोई, आज बहुत कम कमेंट आए हैं दोस्तों, आपकी कमेंट हम सबको हमें बहुत ही सपोर्ट देते हैं, आपके लाइक और कमेंट हम आपके पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और आप लोग पेज को फॉलो करते हैं तो थोड़ी सी हमारी मदद होती है। तो और कमेंट और लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता, पर हमें अच्छा लगता है पढ़ने में। तो यहाँ पे इस तरह से इसको ढकना है, अब ढक कर 5 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पे हमारे आलू 80% पके हुए हैं, तो हमें 20% तक और पकाना है। तो यहाँ पे अभी और भी सामान डालना है, तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। और
और यहाँ पे ये आलू हमारे इस तरह से फ्राई हो रहे हैं, देख रहे हैं। राहुल राज जी जुड़े हैं, तो यहाँ पे आलू हमारे इस तरह से फ्राई होते रहेंगे। जब तक आप चाहें तो इसमें कुकर में सीटी लगा के भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ कच्चे आलू को ही करा है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा गैस को तेज कर लेती हूँ। दोस्तों आलू कोरमा ये ढाबे स्टाइल की है सब्जी, क्योंकि एक बार हम गए थे घूमने, वहाँ हमने देखा था, तो उन भैया से पूछा था तो वो बता रहे थे ये आलू कोरमा इस तरह से बनाया जाता है। तो मैंने सोचा वो रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँ। आलू तो कई तरह से बनते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से फिर मैंने भी आप लोगों के संग रेसिपी को शेयर किया है। बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, पर बहुत ही बढ़िया इस तरह से तैयार होती है। और इसे ढक के हमें इसे पकाना है, जिससे कि ज़्यादा इसमें और ज़्यादा घी डाला जाता है। यहाँ पे मैंने कम घी का यूज किया है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा, पकाते रहिएगा। आकाश जी ने इधर मैं धनिया की कटिंग भी कर लेती हूँ, जब तक बीच बीच में थोड़ा सा धनिया काटना है डालने के लिए। तो यहाँ धनिया काटना भूल गई थी। अब यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने काजू डाला है और प्याज डाली है, इससे बहुत ही बढ़िया ग्रेवी होती है। जितना मैंने आपको बताया पानी सिर्फ उतना ही डलता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, सिर्फ मैंने आधा कप पानी लिया था। और इसको ऐसे ही गाढ़ा गाढ़ा बनाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं टेस्ट करा दूंगी। राहुल जी, आकाश जी ने यमी लिखा है और रेखा जी ने कहा है आपको घर पर आना पड़ेगा। तो हाँ, वो सही कह रही हैं, आपको घर आना पड़ेगा। आप आसपास में रहते हैं तो जरूर हमारे घर आइए, नहीं तो हम आपके घर आ जाते हैं, आपके घर में भी हम वीडियो शूट कर सकते हैं। आप लोग बताइए आप कहाँ रहते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे आपके घर आके वीडियो को शूट करें। तो यहाँ पे हमारी कोशिश रहती है कि नई से नई वीडियो लाएं। आज हम सवेरे नहीं आ पाए थे किसी कारण से, तो आज मैं शाम को आई हूँ, नहीं तो मेरा टाइम मैंने चेंज कर दिया दोस्तों। अब दोपहर में मैंने 2:30 बजे का कर दिया है और शाम का 6 बजे का। पहले मैं 1:30 बजे आती थी और शाम को 5:30 आती थी, तो अब मैंने टाइम चेंज कर दिया है। तो अब मैं 2:30 बजे आया करूंगी, तो आप दोपहर में 2:30 बजे जरूर आया करिएगा और शाम को 6 बजे। तो 2 टाइम में लाइव वीडियोज में आती हूँ, तो अगर कोई नया मेंबर देख रहा है तो मेरा टाइम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो पूछते हैं कि आप कब आते हैं। कई दिन से मेरा टाइम सेट नहीं हो रहा था। हमारे संग सुनीता जी, शर्मा जी भी आ चुकी हैं, तो उन्होंने भी बहुत खूब लिखा है। और इस तरह से हमें 5 से 7 मिनट तक पका लेना है, जो 80% आलू था वो पक जाएगा इस तरह से। और आप यकीन करिए दोस्तों, आलू की सब्जी तो त्योहारों में बनती है, थोड़ा सा डिफरेंट हो तो बहुत अच्छा लगता है। कोई छोटे छोटे आलू जरूर लीजिएगा, बहुत बड़े मत लीजिएगा, क्योंकि वो आलू अंदर तक मसाला नहीं जाता है, इसलिए कह रही हूँ। और जहाँ पे मेरा आलू इस तरह से मैंने पहले से करके रखा हुआ था, धीमी धीमी आँच पे उबाल पका के रखा था, इन्हें फ्राई करके रखा था, यह अंदर तक पका हुआ है मेरा। तो बस अब आप देख रहे होंगे इस तरह से बहुत ही बढ़िया हमारी आलू कोरमा बनके तैयार हो चुका है। अगर आप ज़्यादा घी डालेंगे दोस्तों तो ऊपर से घी तैरेगा, पर मेरे को ज़्यादा घी पसंद नहीं है, क्योंकि हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो आपकी पसंद है, आप कितना घी खाना चाहते हैं तो घी डाल सकते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तो यहाँ हमारी आलू कोरमा की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है।
बहुत ही यम्मी टेस्टी बनी है, और तो वो आप लोग ही बताएंगे क्योंकि हम कह रहे हैं वो तो आपको ही पता लगेगा जब आप बनाएंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी, तभी हमें पता लगेगा। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, ऐसे जैसे हमने इधर आलू फ्राई करें तो उसमें इतना घी एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो इसमें सारे मसाले डलते हैं और भुने जाते हैं। जहाँ जीरा नमक हमने डाला था साबुत, वो बाद में डाला जाता है आलू भुनने के बाद में, तो हमने पहले डाला था दिखाने के लिए क्योंकि वो जलने का डर रहता है। बाद में डालिएगा और फिर आलू फूल करिएगा, फिर आप टमाटर प्याज की प्यूरी सब चीज डालिएगा। तो यहाँ इस तरह से हमें आलू को फ्राई करना है, और इधर हमारा कोरमा बनके तैयार हो चुका है क्योंकि हमने आपके लिए थोड़ा सा हमने अलग दिखाया है। तो चलिए आज का वीडियो हम खत्म करते हैं, कल फिर एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। 2:30 बजे जरूर आइएगा, आप सबका मुझे वेट रहता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी मेंबर हैं सब आए, पर आज बहुत कम आए हैं तो मेरा आप सबको पता है मुझे बुरा लगता है आप लोग नहीं आते हैं। तो चलिए सबको बाय बाय।